लगभग हर नेशनल पॉलिसी के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है जो स्कूल एजुकेशन को गाइड करता है। टीचर एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क डिफरेंट बनता है। इस वीडियो में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर बना है, उसके मेन जो कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनसीएफ 2023 फॉर स्कूल एजुकेशन वाज प्रिपेयर्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ स्कूल शिक्षा के लिए एनसीएफ 23- की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। के कस्तूरी नंदन, टी वी कटीमणि, नजमा अख्तर, मंजुल भार्गव। राइट आंसर है, वैसे जो शुरू में क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही कॉमन होंगे, लेकिन क्योंकि अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें पूछे जाने हैं तो राइट आंसर के कस्तूरी नंदन। बड़ा प्यारा रंग दे रंगन इसको याद रखना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चेयरमैनशिप भी इन्होंने की थी, दो बातें साथ में जुड़ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 23 फॉर स्कूल एजुकेशन इंक्लूड डैश दैट आर एम टू बी डेवलप्ड इन स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ 2023 में डैश शामिल है जिसका लक्ष्य स्कूली शिक्षा में विकसित करना है फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। सो अगर आपने गैस वर्क भी लगाना है तो चूज क्या कीजिए, सिंपल नुक्ता बता रहा हूं। नेशनल पॉलिसी 2020 और करिकुलम फ्रेमवर्क की लाइन में ही चलेगा, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट एडवांस्ड, और उसको चूज कर लीजिए। अब यहां पर मोस्ट एडवांस है फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज नंबर वन, वैल्यूज नंबर थ्री, डिस्पोजिशंस। हिंट दे रहा हूं आपको कि डिस्पोजिशन बार बार शब्द आएगा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में यूज किया गया है। और दूसरा शब्द है कैपेसिटीज, नॉलेज एंड वैल्यू पहले से यूज किए गए होते रहे हैं लेकिन कैपेसिटीज एंड डिस्पोजिशन को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है। अगर ये आप ऑप्शन पाते हो तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2-3 में इसको राइट आंसर की तरफ ले जा सकते हो। यहां पर है मानव क्षमताओं कॉमा मूल्यों और स्वभावों, अस्वभावों इंपॉर्टेंट है ना, कि पूरी श्रृंखला राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 23 फॉर स्कूल एजुकेशन सुजेस्ट टू मूव अवे फ्रॉम, दूर जाना है स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ 2023 से दूर जाने, डैश से दूर जाने का सुझाव देता है। अब क्या है, एन ओवर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन एंड कंटेंट अकोमुलेशन। ये इजी क्वेश्चन में से है क्योंकि जो जनरल रूल हैं टीचिंग लर्निंग के, पैडागॉजी के, एजुकेशन के, क्लासरूम टीचिंग के, करिकुलम ट्रांजैक्शन के, जो कि प्याजे, ब्रूनर, वैगोस्की इनके द्वारा बताए गए हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म द्वारा गए बताए गए हैं, वही अप्लाई होंगे इस पर भी। और नेशनल करिकुलम 2005 की और इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हैं। तो मेमोराइजेशन को उन्होंने भी अवॉइड करने के लिए कहा है और कंटेंट अकोमोलेशन के लार्ज, बड़ी बड़ी किताबें और लार्ज कंटेंट हो, तो ये मतलब अभी का सबसे सही उत्तर हो सकता है। ओवर एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन है, इसमें कंटेंट अकोमोलेशन भी है। बोरिंग एग्जाम सिस्टम, ऐसा कोई बात नहीं की कंटेंट रिडक्शन, कंटेंट रिडक्शन से दूर नहीं जाना, कंटेंट रिडक्शन करनी है, उसकी तरफ जाना है। तो ये दो तो रॉन्ग हो गए, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है फर्स्ट वाला, संस्मरण और सामग्री संचय पर अधिकतर जोर की तरफ से दूर जाना है, इन दोनों को हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 23 फॉर स्कूल एजुकेशन द टर्म करिकुलम रेफर्स टू,
स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ 2023 में पाठ्यचर्या शब्द को डैश संदर्भित करता है, उसका क्या मीनिंग है? एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ स्कूल, द एंटायरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय टीचर। एक बात बता दूं कि इसमें कोई नई बात नहीं है जो ये नेशनल करिकुलम में बात हुई है, तो पहले से ही येलो कर लेता हूं, पहले से ही एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस को शब्द को लेके करिकुलम को डिफाइन करते आ रहे हैं बड़ी देर से। तो यहां पर एंटायरिटी शब्द यूज कर लिया गया है, और इधर छात्रों के संगठित अनुभव का संपूर्णता, अनुभव और संपूर्णता, जब भी करिकुलम वर्ड आता है तो सेंट्रल आइडिया है टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करना, ये राइट आंसर होगा, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अलावा भी पूछा जाता है तो इसी को प्रेफर करना है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ, ये ऑर्गेनाइज्ड पॉजिटिव है, एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, लेकिन ओनली बाय टीचर नहीं है ना, और दूसरा टोटल इसमें मिस है, दैट इज वाई इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 23 मैटर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट करिकुलम एंड इट्स प्रैक्टिसेस आर टीचर्स एंड देयर कैपेसिटी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, इश्यूज ऑफ असेस टू institutions, resources available, administrative and support structure। हिंदी में है, NCF 23 के अनुसार वे मामले जो किसी पाठ्यचर्या और उसके अभ्यास को सीधे प्रभावित करते हैं, शिक्षक और उसकी क्षमता बिल्कुल करेंगे, यह हम साथ साथ में टिक करते हैं, ये करेगा बिल्कुल, माता पिता और समुदाय बिल्कुल, अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो होमवर्क करवा सकते हैं, इतनी बात याद रखना। यूएनओ की स्टडी में ये मेन इंडिया में पाया गया था कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पेरेंट्स होमवर्क ही नहीं करवा पाते, जिसके कारण उनका जो लिटरेसी लेवल है, एजुकेशन है, क्वालिटी है, वो डाउन जाती है। तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स है और कम्युनिटी भी है। कम्युनिटी क्या करती है, स्कूल बनवाने में जैसे पंजाब में है ना, हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली भी कर देती है। इश्यूज ऑफ असेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि बच्चा स्कूल में पहुंच सके जहां इंस्टीट्यूट स्कूल बच्चे तक पहुंच सके। रिसोर्सेज, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसे रिसोर्सेज कह सकते हैं। अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर, तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन में है लेकिन ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको इसका अभ्यास कराने के लिए ये क्वेश्चन बनाए हैं। इन पर्टिकुलर द एनसीएफ 23 एम्स टू हेल्प द चेंज इन डैश, विशेष रूप में एनसीएफ 23 का उद्देश्य डैश को बदलने में मदद करना है। प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन एंड नॉट जस्ट आइडियाज, वैल्यूज इन स्कूल एजुकेशन, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिसेस और नॉट जस्ट आइडिया, ये इसको भी टिक लगा लिया। वैल्यूज इन स्कूल एजुकेशन, छोटा टिक लगा लिया। एग्जामिनेशन सिस्टम है लेकिन छोटा टिक लगा लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, बहुत छोटा टिक लगा लिया। बड़ा टिक किस पर है, प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन एंड नॉट जस्ट आइडिया, के सचमुच में वो चेंज करना चाहते हैं। तो होता है नहीं होता है, आगे चल के देखते हैं। शिक्षा में अभ्यास और ना कि सिर्फ विचार, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, इन पर्टिकुलर द एनसीएफ एम्स टू हेल्प चेंज डैश, विशेष रूप में एनसीएफ का लक्ष्य डैश को बदलने में मदद करना है। स्कूल का माहौल और संस्कृति, क्या बात है, करिकुलम, करिकुलर कंटेंट एंड पेडागोजी, ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नीचे लिखा है। स्कूल एनवायरनमेंट पर बहुत जोर दिया गया है कि उसको कल्चर को, ये बहुत ज्यादा बड़े टिक यहां लगाए जा सकते हैं। करिकुलर कंटेंट एंड पेडागोजी, इसको भी पेडागोजी बार बार, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव की जाएगी। ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, देखो ओवरऑल आ गया ना फिर, और एक्सपीरियंसेस, इसको भी टिक करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 23 डैश इज द हार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार डैश शिक्षा के अभ्यास का केंद्र है, स्टूडेंट टीचर बोथ स्कूल सिस्टम।
मेरे ख्याल में आप चुनोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सभी का ये गलत होगा, सभी टिक लगाएंगे जहाँ तो स्टूडेंट को जहाँ स्कूल सिस्टम को, लेकिन ये कोटेशन टीचर के लिए यूज की गई है, दिस इज द सेंट्रल राइट आंसर इज टीचर इज द हार्ट, है ना, यहाँ रख के कहना टीचर टीचर याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 23 टीचर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज, पिछले से लिंक ही बन रहा है, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को कार्य करने की अपेक्षा, क्या करने की अपेक्षा की जाती है, सिलेबस एंड कंटेंट डेवलपर के सिलेबस और कंटेंट डेवलप किया जाएगा। देखिए सिलेबस बनाना आसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम इधर उधर से उठा लेते हैं, टॉपिक से होते हैं, उसकी लिस्ट होती है, कंटेंट डेवलप है कि एक टॉपिक है, एक थीम है, उस पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेसन प्लान ई कंटेंट तैयार करना, यूट्यूब पर जैसे हम बनाकर वीडियो डालते हैं वो बना के बच्चों को भेजना, वो कंटेंट डेवलप है, ऐसे करने को कहा गया जा रहा है, अब ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। अच्छा, वो टेक्स्ट बुक भी लिखे, कंट्रीब्यूट करे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम करे, दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू टू एनेबल द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द एनसीएफ एज रिलेटेबल टू प्रैक्टिशनर्स एज पॉसिबल डैश वॉल्यूम विल बी फॉलोज, नेश एनसीएफ 2023 को जितना संभव हो सके चिकित्सकों के संबंधित बनाने के उद्देश्य को सक्षम करने के लिए डैश मात्रा की पालना करनी होगी, कितने वॉल्यूम होने चाहिए उसके, 8 वॉल्यूम की बात की गई है, उड़ गया, अच्छी बात है, देयर विल बी 8 वॉल्यूम, यहां से क्लियर हो जाएगा कि देयर विल बी 8 वॉल्यूम ऑफ एनसीएफ 23 ऑफ विच 7 वुड बी ऑन स्पेसिफिक करिकुलर एरियाज। देखिए आपने पोजिशन पेपर का नाम सुना होगा, तो जब एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि किसी खास स्ट्रीम का, डिसिप्लिन का, सब्जेक्ट का स्कूल एजुकेशन में क्या पोजीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या कमियां हैं, है ना, तो उस पर एक एनालिसिस होता है, 20 25 30 पेज लिखे जाते हैं, उसको पोजीशन पेपर बोलते हैं, इसके बाद वो लिखे जाते हैं, यहां पर वैसे ही वॉल्यूम डिवीजन की जाएगी, वो 8 होंगे, पीछे क्वेश्चन यही पूछा था कि 8 होंगे, है ना, 8 वॉल्यूम होंगे, वो कौन कौन से होंगे, यहां पर 7 होंगे आर्ट एंड म्यूजिक नंबर 1, और दूसरा लैंग्वेज नंबर 2, मैथ्स 3, साइंस 4, सोशल साइंस 5 और ह्यूमैनिटीज 6, देन स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो ये 7 हो गए, और वन ऑफ विल बी, इसके अलावा 8वां कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बता रहा है अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वीडियो मेरे बनेंगे वो ऐसे आर्ट्स एंड म्यूजिक पर बनेगा और लैंग्वेज पर बनेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो यूजीसी नेट टेट या टीचिंग लर्निंग या सिविल सर्विस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इस पर अलग अलग बनेंगे। तो अब ये है कि 7वां 8वां किस पर होगा, स्कूल पॉलिसी एंड प्रोसेस, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस, मैंने कहा था कल्चर को नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ रहे, स्कूल कल्चर को अंडरलाइन कर लो, इसके बेस पर राइट आंसर ले लेना, लेकिन यहां पर कल्चर यहां भी है, लेकिन प्रोसेसेस यूज किया गया है, प्रोसेसेस ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, पेडागोजी सिर्फ टीचिंग, पेडागोजी का मतलब सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड नहीं, बाकी प्रक्रियाओं से भी रिलेटेड, तो 8वां इस पर होगा, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 23 के 8, ये हिंदी में है अभी, सेम है, एनसीएफ 23 पंजाबी विच आ गया, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नो अंडरलाइन को अंडरलाइन किया जाएगा, की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2023 का प्रमुख विशेषता नहीं है, ऐसे गोल डायरेक्टेड बिल्कुल है, प्रैक्टिस एनेबलिंग बिल्कुल है, एजुकेशनली वैलिड
क्यों एजुकेशनली वैलिड कहा गया है? क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना है वो रिसर्च और जो इंडिया और वर्ल्ड में हुई है और एक्सपीरियंस है एजुकेशनिस्ट के, उनको बेस बना के किया गया है. दैट इज वाई एजुकेशनली वैलिड ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका करैक्टरिस्टिक है. एंगेजिंग के बच्चों के और टीचर के दोनों के इंटरेस्ट के मुताबिक सारा कुछ करिकुलम ट्रांजैक्शन प्लान की जाएगी. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं, ये नैरो है, नैरो को हटा दो और वो राइट आंसर होगा. ये सर्कल जो मैंने किया है परीक्षा उन्मुख, ये राइट आंसर है इसमें से, क्योंकि नॉट पूछा गया था ना. अगर पूछा जाए यस तो ये चार में से राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट की करैक्टरिस्टिक्स. ओए उड़ गया, ओए 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 वापस आ गया. नॉट की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ NCF 23. निम्नलिखित में कौन सा NCF 23 की प्रमुख विशेषता नहीं है? इंप्रूवमेंट ड्राइविंग बिल्कुल है, डाइवर्सिटी एम्ब्रेसिंग विविधता को गले लाना, मतलब उसको कलावे में लेना है ना. म्यूचुअलिटी री इन्फोर्सिंग एलिमेंट, इसका मतलब है जो ऊपर वाले चार और पांच छः ये दिए गए हैं आपस में इंटरलिंक्ड है, इसका ये मतलब लिया गया है. गर्ल चाइल्ड फोकस बिल्कुल है, लेकिन यहां पर तो नैरो रह जाएगा ना गर्ल चाइल्ड फोकस, क्योंकि ये थोड़ी है कि लड़कों को और बाकी जेंडर को इग्नोर किया जाएगा, ऐसे नहीं है, सभी को शामिल किया जाएगा, इंक्लूसिव है. दैट इज वाई नॉट का ये बन रहा है रॉन्ग, यहां पर राइट आंसर बन गया. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज एज रिसोर्स अकॉर्डिंग टू NCF 23. निम्नलिखित में कौन सा NCF के अनुसार संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? करिकुलम, स्कूल एनवायरमेंट, डाइवर्सिटी, एक्सपीरियंस. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पुराना ही है, नया कुछ नहीं है. हमेशा ही डाइवर्सिटी को ये कहा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल वेरिएशन को, वेरिएशंस को, जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी ये नाम इसके हो सकते हैं, वो एज ए रिसोर्स ही यूज़ करना है. क्योंकि एक बच्चे में जो काबिलियत है दूसरे में वो मान लीजिए नहीं है, ये अच्छी इसकी राइटिंग है ना, अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, तो ये अच्छी इंग्लिश बोलने की क्षमता इसको इसके लिए यूज हो सकती है. दूसरे लड़कों ट्रांसलेशन बहुत अच्छी कर लेता है तो वो इनको ट्रांसलेशन करनी सिखाएंगे. तो ये क्या डिफरेंस, एज ए रिसोर्स हो गए. ये बच्चा है, इस बच्चे के पास रूरल का एक्सपीरियंस है ना, डाइवर्सिटी है, इसके पास रूरल का एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस रूरल के इसके साथ शेयर करेगा, तो ये इसके लिए संसाधन बन गया. संसाधन है जिस भी वस्तु को, नॉलेज को आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हो. यहाँ पर टीचिंग लर्निंग में क्या है कि जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वैल्यूज है, उनको कलेक्ट करना है, तो सभी बच्चे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NCF 23 are derived from purposes and goals articulated in dash. NCF 23 में स्कूली शिक्षा के शिक्षा के उद्देश्य डैश में व्यक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों में प्राप्त किए गए हैं. कहाँ से लिए गए हैं इन्होंने उद्देश्य, मेरे ख्याल में आपको शायद पता चल गया होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लिए गए हैं या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से लिए गए हैं, या जो इंडिया के एजुकेशनल फिलोसोफर हैं उनसे लिए गए हैं, या इंडिया के ट्रेडिशनल और साइंटिफिक अचीवमेंट से लिए गए हैं. वेरी सिंपल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में से ही इसको ड्राइव किया गया है. सिंपल है, जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही बनता है. एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NCF 23 आर टू बी फुलफिल्ड बाय डेवलपिंग एप्रोप्रिएट डैश. NCF 23 में स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को उपयुक्त विकसित करने करके पूरा किया जाना है. विजडम, इक्विटी, वैल्यू एंड डिस्पोजिशंस. विजडम बहुत ऊपर की चीज होती है, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज होता है. वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ऐसे होता है, अगर थोड़ा सा पढ़ना है ये कर लेते हैं. सबसे पहले नीचे होता है डाटा,
ठीक है, डाटा की थोड़ी सी रिफाइंड जो होती है लेवल वो होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने डाटा कलेक्ट किया कि जो बच्चों से क्वेश्चनर फिल कराया, उनकी इंटरव्यू ली, है ना, तो वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बन गई। इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये इंफॉर्मेशन है। उसकी हाईएस्ट, थोड़ा हायर जो होता है नॉलेज बन जाती है कि नॉलेज। ओके, नॉलेज जो होती है वो अप्लाई होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इसके ऊपर होती है विजडम, इससे भी ऊपर होता है ट्रुथ। स्कूल एजुकेशन में नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्यों, वो नॉलेज जिसको आप अप्लाई कर सको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ वही नॉलेज फिर विजडम का बेस बन सके। लेकिन इतनी जल्दी स्कूल एजुकेशन विजडम को क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि विजडम जो होती है नेक्स्ट एज में डेवलप होती है। आगे चलते हैं, नहीं विजडम, इसलिए विजडम रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर विजडम आया स्कूल में नहीं हो सकता। हाँ इक्विटी हो सकता है, वैल्यूज होता है, डिस्पोजिशन को नहीं छोड़ना, मैंने बार बार कहा है नॉलेज कैपेसिटीज को नहीं छोड़ना, बार बार कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डिस्पोजिशन नहीं है, इसमें डिस्पोजिशन है, दैट इज वाई ये रिजेक्ट वीक हो गया, ये वीक हो गया। नॉलेज है, कैपेसिटीज है, डिस्पोजिशन है, ये कैपेसिटीज और डिस्पोजिशन दोनों आ गए, नॉलेज भी है, ये अभी तक का बेस्ट आंसर है। नॉलेज, कैपेसिटीज, वैल्यूज भी आ गया, है ना, तो ये डबल क्लिक है। मैंने पहले कहा था नॉलेज और वैल्यूज पहले से बात इसकी होती रही है, लेकिन कैपेसिटी सी डी है ना, या डीसी साहब, डीसी साहब की बात जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेम में हो रही है, वो क्या है, डिस्पोजिशंस एंड कैपेसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कूल करिकुलम इज ए डेलिब्रेट एंड ऑर्गेनाइज सेट ऑफ अरेंजमेंट्स, इन दिस अरेंजमेंट्स एनसीएफ 23 पुट डैश ऑन द हाईएस्ट लेवल। स्कूल पाठ्यक्रम व्यवस्थाओं को एक जानबूझकर और संगठित सेट है, ठीक है, वो सेट क्या है, एक हायरार्की है। इस व्यवस्था में एनसीएफ ने डैश को उच्चतम स्तर पर रखा है, विजन ऑफ सोसाइटी को, जहाँ विजन ऑफ एजुकेशन को, जहाँ एम ऑफ स्कूल एजुकेशन को, जहाँ डिजायरेबल वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन कैपेसिटीज एंड नॉलेज को। हाँ, अब अभी अभी ये बता के आया हूँ के वैल्यूज, डिस्पोजिशन, कैपेसिटीज, नॉलेज, ये चार चीजें इसको याद रखना है। तो आप ऐसे कर लीजिए, डीसी साहब वी नॉलेज रखते हैं, डीसी डिस्पोजिशन कैपेसिटी वी वैल्यू नॉलेज रखते हैं, नॉलेज, ये चार मेन एस्पेक्ट हो गए, डीसी साहब भी वी नॉलेज रखते हैं, तो ये याद हो गया। लेकिन यहां पूछा गया है कि हाईएस्ट लेवल पर क्या है, ये तो स्कूल लेवल पर जो ट्रांजैक्ट करना है फंक्शनल होगा वो है, तो इसमें इससे ऊपर एम्स हैं और इससे ऊपर विजन ऑफ एजुकेशन है, इससे ऊपर विजन ऑफ सोसाइटी है, देन द आंसर इज समाज की दृष्टि जो है उसको हाईएस्ट लेवल पर रखा गया है, क्योंकि बच्चों ने ये तैयार होने हैं, पढ़ के आएंगे, वो इसी समाज में फिर जाना है। द टर्म नॉलेज इन एनसीएफ 23 रेफर्स टू, एनसीएफ में ज्ञान शब्द का क्या संदर्भ है, क्या मीनिंग है, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, कंडीशनल नॉलेज, ए पोस्टरी नॉलेज। अब इसमें जो लर्न करने की बात है वो है पोस्ट आयरी को, अगर याद रखना है पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे बाद में, एरायरी ए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है ना, पोस्ट मैंने बाद में, आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर एक्सपीरियंस जो नॉलेज होती है, अभी तो बच्चों को दिया ही नहीं है इसलिए पोस्ट आयरी, ये नॉलेज की बात यहां पर नहीं आ रही, कंडीशनल नॉलेज नहीं आ रही, प्रोसीजरल नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल आपको चाय बनानी आती है, चाय बनाने के पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, आपको ड्राइव करनी आती है, है ना, पहले दरवाजा खोलना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच दबाना है, गियर, ऐसे प्रोसीजरल नॉलेज, ये ऐसे होती है, ये स्किल बेसिकली होती है, तो ये भी नहीं मानी गई। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को उन्होंने नॉलेज माना है और इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है, वो क्या होती है आगे चल के क्वेश्चन में वो भी समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 23, नोइंग दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज,
ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट दी गई है एनसीएफ 23 के अनुसार, यह जानना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, क्या ये क्या होगी? ये पोस्टराइरी है, पहले देखें क्या इसका अनुभव कर लिया है हमने, जाके ऊपर देख लिया अभी घूम रही है नहीं, हमें ये दिखाई पोस्टराइरी नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है, कोई स्किल सीख रहे हैं ये नहीं माना जाएगा। ओके, अगेन दिस इज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, वर्णात्मक नॉलेज है, जो हो रहा है उसको बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 23 एजुकेशन मस्ट बी मेड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू दी, वैसे पीछे बात करके आया हूं, एनसीएफ के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए रोचक और रोमांचक बनाया जाना चाहिए। ये वाला इसको मत लें, ये वाला मिसप्रिंट हुआ है, इधर ले, किसको? बच्चों को, जो एजुकेशन मस्ट मेड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू द चिल्ड्रन के लिए या टीचर्स के लिए या दोनों के लिए या टीचर चिल्ड्रन टीचर और पेरेंट्स के लिए। देखिए पेरेंट्स ने पढ़ने नहीं आना, दैट इज वाई इसको रिजेक्ट किया जाता है। और अगर केवल चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, लर्नर के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा तो टीचर इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने दोनों पर जोर दिया है कि दोनों के लिए ये इंटरेस्टिंग हो, टीचर के लिए टीचिंग इंटरेस्टिंग हो और बच्चे चिल्ड्रन के लिए लर्निंग इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। ये चेंज है न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क में। तो ये थे कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट आएंगे, रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नीचे लिंक दिए गए होंगे। और जो डिफरेंट पोर्शन या पोजीशन पेपर, जिस तरह से 8 वॉल्यूम होंगे उसके हर पेपर हर स्ट्रीम पर, उस पर एक से ज़्यादा वीडियो होंगे, तो हर एग्ज़ाम में जैसे 2020 पॉलिसी आई थी और हर पेपर में उसके बारे में, इवन जीके में और टेट टीचिंग के रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं, यूजीसी नेट होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही करिकुलम फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्टिकुलरली टेट और स्टेट टेट सी टेट कोई भी हो, तो आप बने रह सकते हैं, आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चन पूछना हो, पूछ सकते हो। थैंक यू, लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह।